हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे है मेरे पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको पता ही है, दो तीन दिन से यहाँ पर बर्फ अटकी हुई है, यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ है। तो अभी मैं हूँ अपने घर पे और मैं जा रहा हूँ कसैले मार्केट को दूध पहुँचाने के लिए। आज 3 दिन के बाद दूध की डेयरी खुली है और दूध हमारा जा रहा है, और सुबह का बेहतरीन मौसम मैंने आपको दिखाया कितनी चारों तरफ बर्फ़ है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं घर से निकलने लगा हूँ और अमित भाई दिखा रहा है, देखिए पाला कितना जमा हुआ है बर्फ़ के ऊपर, इस प्रकार की परत अभी यहाँ पर जम जाती है। मनो हेलो हेलो कर दे, इधर देख, हेलो। तो देखिए अभी घर के आंगन में भी इतनी बर्फ़ अटकी हुई है, और सुबह मैंने आसपास आपको दिखाया कितनी बर्फ़ अटकी हुई है। अभी भी लगभग 3-4 दिन और लगेंगे इस पूरी बर्फ़ को मेल्ट होने में, अभी भी घरों के ऊपर से बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई है। तो सभी लोग घर में अपना मस्त यहाँ पर उठ चुके हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मैं चलता हूँ कसैले मार्केट को दूध पहुँचाना है। ये है मेरी दूध की बाल्टी, 2-3 दिन के बाद दूध की डेयरी खुली हुई है। तो मैं जा रहा हूँ अभी कसैले मार्केट में, और अभी भी देखिए रास्तों में हमारे इधर को कितनी बर्फ़ है अभी भी, और पाला गिरा हुआ है, काफ़ी हार्ड हुई है बर्फ़ अभी। और सामने का नज़ारा देखिए दोस्तों, यहाँ तो महीनों लग जाएंगे बर्फ़ों को पिघलने में। ऊपर टॉप में थकुर बाबा टॉप, वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ रोड पर, बाल्टी मैंने यहाँ पर रख दी, और जो ये रोड देख रहे हैं ये है भालूगाड़ वाटरफॉल रोड। और सामने के नज़ारे देखिए, अभी जो सामने सबसे दूर व्यू आ रहा है, धानाचूली का व्यू है, काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में बर्फ़ गिरी हुई है। और नीचे वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये है पदमपुरी सरना, और जो ये सामने एरिया दिख रहा है ये है मेरा गांव। अभी भी बर्फ़ है, कम से कम 2-3 दिन और देखने को मिलेगी। और भालूगाड़ वाटरफॉल रोड बढ़िया खुला हुआ है, जो ये सामने यहाँ पर देख रहे हैं कैंप साइट, वो कल सौरभ जोशी भैया यहाँ पर फंसे हुए थे। अभी तो रोड क्लियर है, बढ़िया है। तो भैया कल यहाँ पर फंसे हुए थे, सौरभ भैया। तो चारों तरफ अभी भी बर्फ़ ही देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, मैं निकलता हूँ कसैले मार्केट को और अपना दूध पहुँचाते हैं डेयरी पे। तो फाइनली दोस्तों, कसैले से निकल चुका हूँ, और अभी हम जा रहे हैं, साथ में है दीपक भाई, और अभी हम जा रहे हैं फिर से गाड़ी के पास में, फ़ोन को चार्ज करते हैं, फिर आपको दिन भर सूट भी दिखाना है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि भालूगाड़ वाटरफॉल रोड पे अभी भी कितनी बर्फ़ है, बस गाड़ी के पास में पहुंच जाते हैं और वहां चल के फिर दिखाता हूं आपको आसपास के नज़ारे, और फ़ोन चार्ज करते हैं, फिर दिन भर का आपको ब्लॉग दिखाना है। तो चले पहुँच जाते हैं गाड़ी के पास में। यू भाई, कब पिघलेगी बर्फ़? कम से कम आ रही है, कस्टमर भी आ सकता है, बिल्कुल आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो बिल्कुल दोनों रोड खुली हैं, आराम से आ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी के पास में, वहाँ पर हमारी गाड़ी, और यहाँ पर डोंगों को कुछ ज़्यादा ही मस्ती सूझ रही है। देखिए मस्त प्यारे वाले डॉग हैं। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ से निकलने लगे हैं, फोन भी चार्ज हो गया है, और अभी भी देखिए रोडों के किनारे आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। यह है भालूगाड़ वाटरफॉल रोड, और अभी जाना है दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ, सुन के आप है, वहाँ पर एक मस्त प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ, और आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। क्या पता कोई अगर यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहता है, वो अगर उसके समझ में आती है तो उसकी बात उस पर बन सकती है। तो चलिए खूबसूरत व्यू के साथ निकलते हैं सुनक्या के लिए। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं कस्यालेक से, ये है सूपी सुनक्या बना वाली रोड, और जो कस्यालेक में गोल तिरा है नीलकंठ रेस्टोरेंट के पास, उससे होते हुए रोड जाती है। दोस्तों, फाइनली पहुंच चुके हैं हम सुनक्या पे, सुनक्या गांव पे। मेरे पीछे मस्त मुक्तेश्वर घाटी का व्यू आ रहा है, और गाड़ी हमने देखी यहाँ पे पार कर दी। तो मैं अब आपको यहाँ से नज़ारे दिखाता हूँ, कितने बेहतरीन नज़ारे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, और प्रॉपर्टी के बारे में समझाता हूँ। खूबसूरत प्रॉपर्टी है, 2 नाली की। तो चलिए देखते हैं, और आपको भी समझाता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर व्यू आता है, और क्या यहाँ से नज़ारे आते हैं, और किस प्रकार की प्रॉपर्टी है। तो चलिए। तो दोस्तों, फाइनली गाड़ी यहाँ पर पार कर दी, मैं हूँ अभी सुनक्या रोड पर खड़ा, और ये रोड आगे को जाता है सूपी तक का, और इस तरफ को है हमारा कस्याले ऊपर भटेलिया, और लगभग कस्याले से 6 किलोमीटर के आसपास की इसकी दूराई है। और यहाँ से देखिए नज़ारे, काफ़ी बेहतरीन नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। सामने है मुक्तेश्वर घाटी, सबसे ऊपर टॉप में वहाँ पर है मुक्तेश्वर टेम्पल, और ये उसके आसपास की लोकेशन देखिए, खूबसूरत बर्फबारी हुई है। आज 4th दिन है दोस्तों, 2 दिन से बढ़िया धूप आ रही है, और मुक्तेश्वर घाटी में भी देखिए बर्फ़ अभी हल्की रहेगी है, हल्की बाकी तो पिघल चुकी है, और व्यू काफ़ी शानदार आता है यहाँ से। और नीचे बह रही है आपकी एक खूबसूरत रिवर, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये देखिए अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो नीचे तो खूबसूरत व्यू है यहाँ से और बढ़िया फैसिलिटीज हैं दोस्तों। यहाँ से सामने का व्यू देखिए, नज़ारा देखिए, काफ़ी शानदार नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आप दिखाता हूँ आपको प्रॉपर्टी, ये जो मैं रोड में खड़ा हूँ अभी देखिए, ये है मेन रोड, पास में दीपक भाई खड़ा है, इससे नीचे को लगती हुई आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ पर आपको ये हल्की बर्फ़ दिख रही होगी। और इस प्रॉपर्टी को मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, इसके दो तीन फायदे हैं, क्योंकि दोस्तों एक तो आपको ये रीजनेबल आपके बजट में आ जाएगी प्रॉपर्टी, बाकी यहाँ पर हमने दो सौदे करा रखे हैं, एक यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है, बाकी दो सौदे इसमें करे हुए हैं। टोटल थी 7.5 नाली लैंड, जिसमें कि आप दो नाली यहाँ पर बची हुई है। और प्रॉपर्टी ऑन रोड प्रॉपर्टी है, चलता फिरता रोड है। अभी आपने आपको मैं दिखाता हूँ कि इससे डेली बसेस जाती है हल्द्वानी के लिए। और पास में आ जाता है कसैलेक, 6 किलोमीटर पर कसैलेक मार्केट, और यहाँ पर आपका भटीलिया एरिया। तो ऐसे आप घूमते आते हैं, आपको सामने आपको मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन आपके प्लॉट से होते हैं और खूबसूरत वैली देखने को मिलती है। अभी देखिए शानदार बर्फबारी सामने के तरफ देखने को मिल रही है और आपके प्लॉट में भी बर्फबारी होती है। देखिए आसपास ये रोड में देखिए, रोडों के किनारे देखिए और अपनी प्रॉपर्टी पे देख लीजिए। प्रॉपर्टी पे मैं आ चुका हूँ, बर्फ़ यहाँ पे बढ़िया दिख रही है, अभी भी बर्फ़ है दोस्तों। 4 दिन हो चुके हैं और जो ये रोड है ये चलता फिरता रोड है, इसमें डेली आपको बसेज मिल जाएगी हल्द्वानी के लिए। कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है, प्रॉपर्टी भी काफ़ी बढ़िया है। देखिए स्टेप में है, एक स्टेप ये है, इसके नीचे एक स्टेप है ये है, और नीचे जो पोल दिख रहा है दोस्तों वहाँ तक की आपकी प्रॉपर्टी की हद आती है। तो बढ़िया प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, लोगों ने यहाँ पे ले रखा है इस पर, और एक तो अपना बना भी रहा है यहाँ पे सामने में। व्यू भी शानदार आता है यहाँ से, लोकेशन भी बढ़िया है और कनेक्टिविटी आपको सारी मिल रही है। सामने देखिए मस्त फॉरेस्ट व्यू आता है और इसके प्रॉपर्टी के ऊपर भी बढ़िया फॉरेस्ट व्यू आता है। और देखिए स्नो यहाँ पर होती है, अगर मैं पहले वीडियो बनाता आप यकीन नहीं करते कि स्नो होती है, लेकिन स्नो में हम आए 4th दिन में आ रहे हैं, तो फिर भी यहाँ पर इतनी बर्फ़ है, तो लगा लीजिए 2 दिन पहले यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ होगी। और ज़्यादा बर्फ़ भी दोस्तों क्या चाहिए, देखिए जहाँ पर धूप नहीं आ पाती है ज़्यादा ही बर्फ़ होगी, जैसे धानासुली में ज़्यादा बर्फ़ अभी अटकी हुई है पर, तो लोग वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी बर्फ़ का भी कोई मज़ा नहीं आता मेरे ख्याल से। क्योंकि दोस्तों अगर बर्फ़ गिरे अपने प्लॉट पे तो अच्छा रहता है, बर्फ़ गिरे फिर उसके आसपास आप घूमो तो अच्छा लगता है, अगर 2-3 दिन तक आप घूम ही नहीं पा रहे हैं, कुछ आपको सब सारा अस्त व्यस्त पड़ रहा है, तो उसमें मज़ा भी नहीं आता है। तो बढ़िया आप यहाँ पर बर्फ़बारी का मज़ा भी ले सकते हैं, और साथ में अगर आसपास घूमना है सामने मुक्तेश्वर महादेव में घूम के आसपास उसकी लोकेशन में जा सकते हैं। इधर सरकाखेत एरिया हो गया और इधर पूरा भटीलिया एरिया हो गया, सभी जगह आपको बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। और प्लॉट काफ़ी बढ़िया शानदार है ये देखिए, और जहाँ पर दीपक भाई खड़ा है रोड यहाँ पे है, तो ऑन रोड प्लॉट है, आपके बजट में भी आ जाएगा। और इससे बढ़िया व्यू, इससे बढ़िया लोकेशन, और देखिए ज़मीन भी काफ़ी बढ़िया है, कितने चौड़े चौड़े स्टेप हैं, एक स्टेप नीचे पुल वाला, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये रहा आपका, तो फिर एक स्टेप ये है, फिर रोड आ जाती है। बढ़िया प्लॉट है, रहने के लिए भी आपका बढ़िया है, अगर कॉमर्शियल आप करना चाहते हैं इन फ्यूचर तो उसके लिए भी बढ़िया है, व्यू बढ़िया है। इससे आगे जो सूपी को रोड गई है वहाँ तक लोगों ने अपने प्लॉट ले रखे हैं, अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये देखिए प्रचार प्रसार वाली गाड़ी आ गई, लगी रोड है दोस्तों। इससे बढ़िया लोकेशन आपको कुछ नहीं मिलने वाली, इससे बढ़िया आपको व्यू कुछ नहीं मिलने वाला, और बजट तो काफ़ी बढ़िया बजट में ये आ रहा है। कसैली मार्केट से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और प्लॉट देखिए काफ़ी शानदार प्लॉट है, ऊपर भी आपको प्लॉट के ऊपर भी जंगल मिल जाएगा, आसपास लोगों के घर मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ पर। और देखिए आसपास बढ़िया ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही होगी। और प्लॉट की साइज़ की बात करो दोस्तों, इसमें थी 7.5 नाली, जिसमें कि 2 नाली अभी बची हुई है, तो पटवारी जी मौके पे आएंगे, आपको नाप के देंगे प्रॉपर्टी आपकी 2 नाली, तो उस बेस पे आपको प्लॉट की बढ़िया आपको साइज़ पता चल पाएगी। तो अगर जो इंटरेस्टेड है दोस्तों हम संपर्क कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी अगर जिसको परचेज करनी है तो ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया प्रॉपर्टी है, सामने का व्यू भी काफ़ी मस्त है दोस्तों। अभी आ चुका हूँ प्रॉपर्टी के इस वाले हिस्से में, और यहाँ से आपको प्रॉपर्टी के लुक दिखा रहा हूँ मैं। देखिए ऊपर यहाँ पर रोड है, बाकी प्रॉपर्टी आपकी ये रही। इस प्रॉपर्टी की एक खासियत ये भी है, वैली व्यू और शानदार रिवर व्यू के साथ बढ़िया स्नो वाला क्षेत्र है, जहाँ आपको बढ़िया बर्फबारी भी देखने को मिल जाएगी। सबूत आपके पास है ही ये दोस्तों देखने के लिए। तो नीचे से देखने में कुछ इस प्रकार की लुक आ रही है, काफ़ी बढ़िया लुक आ रही है। देखिए अभी प्रॉपर्टी भी अच्छी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने ले रखा है यहाँ से इधर को देखिए, अपना मस्त यहाँ पर कॉटेज बनवा रहे हैं।
तो आई होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो फाइनली हम यहाँ से निकलते हैं कसा लेक मार्केट की तरफ, फिर जाना है घर भी। सुबह से निकले हुए हैं, काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ से देखिए। तो चलते हैं यहाँ से। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ को, और हमारे तरफ को अभी भी बर्फ काफ़ी ज़्यादा है। देखिए सामने ये खेत देखिए, भरपूर मात्रा में अभी भी बर्फ़ है। हमारे यहाँ पिघलने में और भी दो एक दिन लग सकते हैं। खेतों में सब वैसे ही है, फिसलन हो रही है। देखिए कितना यहाँ पे जम के बर्फ़ गिरी। तो फाइनली दोस्तों पहुँच जाते हैं घर पर। ये हमारा घर वाला रास्ता, और देखिए रास्ता पूरा खाली हो चुका है। अगल बगल इसके बर्फ़ है अभी, और कीचड़ काफ़ी हो चुका है क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हुई तो सारा पानी हो गया। आप देखिए, और अभी भी नीचे खेतों में देखिए काफ़ी मस्त बर्फ़ देखने को मिल रही है। बढ़िया बर्फ़ के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, और सामने को देखिए, सामने में काफ़ी बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है अभी दोपहर के समय में। तो फाइनली दोस्तों लंच कर लिया, और मैं हूँ अभी अपने घर के छत पर। और छत पर देखिए बर्फ़ लगभग मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ रही है, और खेतों में भी लगभग पिघल ही गई है। थोड़ी बहुत रही है, थोड़ा बहुत सामने में रही है। तो दोस्तों फाइनली हो चुकी है शाम, अभी बज रहे शाम के 6:21, लाइट आज भी नहीं आई हुई है। और देखिए बर्फ़ हमें कल भी देखने को मिलेगी, शानदार व्यू देखने को मिल रहे हैं। इस साइड को जो आपको हल्का कलर दिख रहा है पहाड़ियों के ऊपर, इस साइड को हुआ है सनसेट, और नीचे देखिए बढ़िया मस्त क्लाउड्स आए हुए हैं। घाटी में बड़ा मस्त व्यू आ रहा है। तो लाइट आज भी नहीं है पहाड़ों में, ये सोलर लैंप लगा हुआ है। इसी तरह देखिए यहाँ पास वाले गांव में जितनी भी आपको लाइटिंग दिख रही है, इसी तरह के सोलर लैंप हैं जो गांव में प्रधानों द्वारा या सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो ये था हमारा दिन भर का व्लॉग, बर्फ अभी ऐसे ही है। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।